आज की वीडियो में आपको अक्षय कुमार का जैकलीन फर्नांडिस की हेल्प करने के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैकलीन फर्नांडिस को पिछले कुछ समय से काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था और सुकेश चंद्रेशकर के साथ उनकी इंटीमेट पिक्चर्स लीक होने के बाद तो उनके लिए प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा हो गई थी और उन्हें ना सिर्फ बहुत से फिल्म से निकाल दिया गया था, वहीं उनके फ्रेंड्स ने भी उनका साथ छोड़ दिया था और वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। जैकलीन फर्नांडिस सबको यही समझाती रहीं कि उनकी कोई भी गलती नहीं है और उन्होंने सुकेश के किसी भी क्राइम में उसका साथ नहीं दिया। हाँ, सुकेश से गिफ्ट जरूर लिए हैं लेकिन किसी क्राइम में वो उनके साथ नहीं थी। जैकलीन के ये बात कोई भी ना समझा, मगर ऐसे सब में सिर्फ एक ऐसा इंसान था जिसने जैकलीन की हेल्प की और उसी के कारण वो आज भी बॉलीवुड में जिंदा हैं। जहाँ सब बॉलीवुड एक्टर्स ने जैकलीन को अपनी फिल्म से निकाल दिया गया और इवन जैकलीन के बेस्ट फ्रेंड सलमान खान ने भी उन्हें दिबंग टूर से निकाल दिया, वहीं सिर्फ अक्षय कुमार ने उनकी हेल्प की और उन्हें अपनी फिल्म राम सीतु से नहीं निकाला बल्कि उनके साथ शूट भी करते रहे और अब इस फिल्म की शूट भी कंप्लीट हो चुकी है। फिल्म राम सीतु की शूट कंप्लीट होने के बाद जैकलीन ने भी अक्षय के साथ अपनी एक वीडियो शेयर की है जिसमें दोनों फन कर रहे हैं और जैकलीन को हंसता देखकर उनके फैंस बहुत ज़्यादा खुश हुए। जैकलीन के इस मुश्किल समय में अक्षय की हेल्प ने ही उन्हें डिप्रेशन से भी सेव किया। जैकलीन उस समय बहुत डिप्रेस थी और वो डिप्रेशन में जाने वाली थी कि जब अक्षय ने उनका साथ दिया और उन्हें इस फिल्म से नहीं निकाला। जैकलीन के इस मुश्किल समय में अगर अक्षय भी उनकी हेल्प ना करते तो जैकलीन को बॉलीवुड छोड़ना पड़ता और शायद उन्हें दोबारा कभी भी इस बॉलीवुड में कोई काम ना मिलता। बट अब जैकलीन के लिए बॉलीवुड के रास्ते खुले हैं, मगर इस केस के डिसीजन के बाद ही जैकलीन सबको अपने गिल्टी ना होने पर ज़रूर यकीन दिला देंगी और फिर जैकलीन भी दोबारा से बॉलीवुड में काम कर पाएंगी। आपको जैकलीन के बारे में ये सब जानकर कैसा लगा और अक्षय कुमार ने जैकलीन की हेल्प की, इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।